साल यदि एक साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के 14 भिक्षुओं के समूह की उपस्थिति में बौद्ध रीति रिवाजों के साथ वर वधु की शादी करवाई जाए तो क्या कहेंगे आप। जी हाँ, ऐसा ही एक दृश्य मन को सुकून और शांति देने वाला था। ऐसे धार्मिक वातावरण में शादी हो जाए तो मानो उन जोड़ों का जीवन ही सफल बन जाए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वर्धा के स्नेहदीप डोंगरे और बबीता दोड़के की। उन्हें हमेशा लगता था कि अनेक भिक्षुओं के आशीर्वाद से वे शादी करें और संयोग वंश ये जुड़ भी आया। उनकी शादी बड़े ही उत्साह के साथ धार्मिक वातावरण में संपन्न हुई। इस बात की खुशी उन्हें ता उम्र रहेगी। शादी में वर्धा के सांसद सदस्य रामदास तड़स, शंकर प्रसाद अग्निहोत्री आदि मान्यवर प्रमुखता से उपस्थित थे। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध रीति रिवाजों से हुआ शानदार विवाह, एक साथ 14 भिक्षुओं ने लगवाई शादी। यदि एक साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के 14 भिक्षुओं के समूह की उपस्थिति में बौद्ध रीति रिवाजों के साथ वर वधु की शादी करवाई जाए तो क्या कहेंगे आप। जी हाँ, ऐसा ही एक दृश्य मन को सुकून और शांति देने वाला था। ऐसे धार्मिक वातावरण में शादी हो जाए तो मानो उन जोड़ों का जीवन ही सफल हो गया। हम बात कर रहे हैं वर्धा के स्नेहदीप डोंगरे और बबीता दोड़के की। उन्हें हमेशा से ही लगता था कि अनेक भिक्षुओं के आशीर्वाद से शादी करूं और संयोग वंश ये जुड़ भी आया। उनकी शादी बड़े ही उत्साह के साथ धार्मिक वातावरण में संपन्न हुई। इस बात की खुशी उन्हें ता उम्र रहेगी। शादी में वर्धा के सांसद सदस्य रामदास तड़स, शंकर प्रसाद अग्निहोत्री आदि मान्यवर प्रमुखता से उपस्थित थे। वर वधु पर हुई आशीर्वाद की बौछार। स्नेहदीप डोंगरे और बबीता दोड़के का विवाह 19 जून को बौद्ध रीति रिवाजों के साथ संपन्न हुआ। स्नेहदीप इंडिगो एयरलाइन में वरिष्ठ अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं और उनकी पत्नी बबीता प्रोफेसर। उन्होंने बताया कि उनकी बहुत इच्छा थी कि देश विदेश के भिक्षुओं के हाथों उनकी शादी हो। संयोग वंश ऐसा बना कि नागपुर के तुलजाई नगर में विहार के उद्घाटन समारोह में देश विदेश के अनेक भिक्षु शरीक हुए। इस समारोह में स्नेहदीप को भी आमंत्रित किया गया था। चूंकि उनकी शादी को कुछ ही दिन शेष रह गए थे, ऐसे में स्नेहदीप को लगा कि यही अच्छा मौका है इन सभी भिक्षुओं को शादी के लिए आमंत्रित करने का। स्नेहदीप ने शादी की निमंत्रण पत्रिका म्यांमार के ज्येष्ठ भिक्षु जतिला महाथेरो और अरुणाचल प्रदेश के वनासामी महाथेरो को दी और शादी में भिक्षु समूह को आमंत्रित किया। मानो जीवन सफल हो गया। इन जोड़ों की शादी वर्धा के एक पैलेस में आयोजित की गई थी। शादी में ज्येष्ठ भिक्षु जतिला महाथेरो म्यांमार, वनासामी महाथेरो अरुणाचल प्रदेश, बोधिरत्न महाथेरो नागपुर, बुद्ध घोष बर्मा म्यांमार, वनासारा भिक्षु अरुणाचल प्रदेश, डॉक्टर मेतानंद भिक्षु नागपुर, नंदिता भिक्षु त्रिपुरा, खेमानंदा भिक्षु त्रिपुरा, सुक्ता भिक्षु त्रिपुरा, पायासारा भिक्षु त्रिपुरा, पंडितानंद भिक्षु नागपुर, सुनातो भिक्षु अरुणाचल प्रदेश, आर्य भिक्षु नागपुर, धमानंद भिक्षु त्रिपुरा, सुबदा धम्मचारी वर्धा, बुद्धलोका भिक्षु त्रिपुरा। इन सभी भिक्षुओं की प्रमुख उपस्थिति में धम्म ध्वज सोसाइटी नागवन, नानवेद डैम, नीरी मानकर पोस्ट, विहारपेट, अमरावती रोड, नागपुर सेंटर की ओर से स्नेहदीप और बबीता का शुभ विवाह संपन्न हुआ। भिक्षुओं द्वारा एक साथ पंचशील और अष्टशील गाथाओं के उच्चारण से वातावरण मानो धार्मिक सा हो गया था। भिक्षुओं द्वारा इस जोड़े को मैरिज सर्टिफिकेट दिया गया। तत्पश्चात इन जोड़ों ने भिक्षुओं को चीवर दान और फलों का दान दिया। स्नेहदीप की अनेक भिक्षुओं की उपस्थिति में शादी करने की जो ख्वाहिश थी वह आखिरकार पूरी हो गई। इससे उनका जीवन भी सार्थक हो गया। ऐसा वह कह रहे थे कि उनकी शादी में 700 से अधिक लोगों ने उपस्थिति दर्शाते हुए उन्हें ढेर सारा आशीर्वाद एवं शुभकामनाएं दी।